प्रतापगढ़ जिले में बारिश के बाद कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय अंतुदेहा तालाब बन गया। तालाब बन चुके स्कूल में टीचर तक अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे, लेकिन बच्चों के लिए खेलने और तैराकी सीखने का जरिया बन गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मामले में बीएसए भूपेंद्र सिंह का बयान भी सामने आया है। बीएसए ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो विद्यालय चूंकि रोड की तरफ से एक तरफ रोड ऊंचा है, दूसरे बाकी तीन तरफ से डिग्री कॉलेज जो है वो एक ऊंचाई तक बना हुआ है। विद्यालय चूंकि पहले का बना है तो गहराई में है, वर्षा का जो जल है वो वहाँ पे आके चारों तरफ से आके संचयित हो रहा है। लेकिन ये एक जांच का विषय है कि कहीं भी इस तरह की समस्या नहीं देखने को मिली, सिर्फ उस स्थान पे ही 2.5 फीट पानी वहाँ पे आके जमा है, मैंने भी देखा। तो अब फिलहाल इसमें डीएम साहब की जानकारी में भी है और इस पर मैंने अपनी तरफ से भी जाँच समिति मैंने गठित की, उसकी जाँच हो रही है और जो भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक विद्यालय चलने की बात है तो विद्यालय 27 जून से ही दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ के बच्चे, वहाँ के अध्यापक, बगल में जो प्राइमरी विद्यालय है वहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमारा शिक्षण कार्य बाधित नहीं है। फिलहाल तालाब बने स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, जबकि तिमाही परीक्षा की मुख्यमंत्री घोषणा भी कर चुके हैं। ऐसे हालात में बच्चों की पढ़ाई भी भगवान भरोसे है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।